सीमावर्ती जिले बाड़मेर में एक विवाहिता के साथ हैवानियत का मामला सामने आया है, जिसमें पड़ोसी युवक द्वारा दुष्कर्म करने के बाद जलाने के आरोप लगे हैं। दरअसल पचपदरा थाना क्षेत्र की एक ढाणी में विवाहिता को अकेली पाकर युवक ने उसके साथ रेप किया। इसके बाद उस पर थिनर डालकर आग लगा दी। विवाहिता के चिल्लाने पर परिजन पहुंचे तो आरोपी मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना पर बालोतरा व पचपदरा पुलिस मौके पर पहुंची। गंभीर रूप से झुलसी विवाहिता को बालोतरा के एक निजी अस्पताल में उपचार के लिए लाया गया, जहां उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे जोधपुर रेफर कर दिया गया। पचपदरा DSP भी विवाहिता के बयान लेने एम्बुलेंस के साथ जोधपुर गए। विवाहिता की जोधपुर में देर रात इलाज के दौरान मौत हो गई। पचपदरा DSP मदनलाल मीणा के मुताबिक परिजनों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया गया है और आरोपी सकूर खान पुत्र कालू खान बांगड़ी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पूरे मामले की जांच की जा रही है। कल करीब 1:30 बजे की घटना हुई है। उस समय मैं घर था नहीं, बच्ची भी मेरी है, तो मैं पंचायती में गया हुआ बाड़मेर था। बाड़मेर से मेरे को फोन आया तो मैं थोड़ी थी, मेरे को मिला नहीं, मैं शाम तक पहुंचा। तो लड़की को लाई या भर्ती कराई और कराई तो मैंने सुना भाई क्या हुआ, तो सकूर खान ने उसके पिताजी का नाम कालू खान उस लड़की की पहले तो खोटा काम किया, बलात्कार हुआ, उसके बाद में उस लड़की को ऊपर वो छिंगर डालकर और उस लड़की को जलाई। उसके बाद में मैंने रात को 1:30 बजे तक कहां कहां से वकील बुलाकर उसकी रिपोर्ट लिखाकर मैंने थाने में पेश करी, तो भी उसकी कार्रवाई पूरी जांच हाल तक नहीं हो रही है। इज्जत लूटी, जब भी मैं बहन हका करी आपको की मैं कुआड़ खोल के मैं निसी दौड़ी, बच्चा मैं तावड़ी में बगा के निसी, बच्चा मैं छोटा 5 महीने धूप के फेंके निसी में, निसी दरवाजा खोला जल्दी मैं बहन पे गया, वो नका वो क्या कहते पैंट उठ सा बोतल नवी आती खिंगर आता खिंगर नाका खिंगर नाक के मैं देखी, जब भी मेरे तिल्ली टाल के मेरी बहन पे तिल्ली डाल के मैं इसे हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के मेरे को धक्का दे के भाग गया। पुलिस ने बताया कि एक परिवादी ने रिपोर्ट पेश की है कि वो बालोतरा में मजदूरी करने गया हुआ था। उसे परिजन का फोन आया कि उसकी पत्नी के साथ सकूर खान पुत्र कालू खान ने दुष्कर्म कर अपने साथ लाए थिनर को डालकर मारने की नीयत से आग लगा दी है। उसके चिल्लाने पर परिजन दौड़कर आए, तब तक आरोपी आग लगाकर भाग गया था। गंभीर रूप से झुलसी विवाहिता को बालोतरा के एक निजी अस्पताल में लाया गया, जहां से उसे जोधपुर रेफर कर दिया गया। विवाहिता की जोधपुर में देर रात इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने घटना के दूसरे दिन मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। पचपदरा थाने पे एक लिखित रिपोर्ट पीड़िता के परिजनों ने प्रस्तुत की थी, जिसका मजमून कुछ इस प्रकार था कि पीड़िता घर पर अकेली थी और उसी का पड़ोसी जिसका नाम सकूर खान है वो उसका फ़ायदा उठा करके घर पर आया और बलात्कार किया और जलाने का प्रयास किया, जो अपने साथ कोई ज्वलनशील पदार्थ लाया था। पीड़िता के चिल्लाने पर आसपास से कुछ महिलाएं आईं, जिससे देखकर वो वहां से भाग गया। घटना की सूचना मिलते ही SHO पचपदरा और CO पचपदरा सुबह 3 बजे मौके पर गए और वहां से मौके की कार्रवाई करने के बाद जो एक्यूज था, जो आरोपी था, उसको दस्तयाब करके अनुसंधान शुरू किया। पीड़िता को परिजनों के द्वारा एक प्राइवेट अस्पताल में बालोतरा में भर्ती कराया गया था, जहां से उनको कल जोधपुर MGH में रेफ़र किया गया। रेफ़र होने में जहर इलाज होने के दौरान कल रात 1 बजे के करीब पीड़िता की मृत्यु हो गई। अनुसंधान करने के दौरान CO पचपदरा ने ये पाया कि प्रथम दृष्टया आरोपी के खिलाफ जुर्म प्रमाणित है, जिसके चलते उसको कल देर रात गिरफ्तार भी कर लिया गया है। प्रकरण में एक ही नामजद मुलजिम है, जिसके खिलाफ जुर्म प्रमाणित करके उसको गिरफ्तार कर लिया गया, जो पुलिस की गिरफ्त में, और जल्दी उसको न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। इस संबंध में SHO ने बताया है कि जो परिजन हैं वो 3 बजे, रात्रि के 3 बजे यानी कि 7 तारीख को ही थाने पर रिपोर्ट लेकर के आए हैं। रिपोर्ट मिलते ही पहले परिजनों के साथ SHO और CO मौके पर गए हैं और तुरंत FIR दर्ज करके मुलजिम को भी तत्काल अरेस्ट कर लिया गया है। रेप पीड़िता को जलाने व इलाज के दौरान मौत हो जाने के बाद लोगों में भारी आक्रोश है। वहीं केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने ट्वीट कर सरकार को घेरा और लिखा कि लचर कानून व्यवस्था के कारण अपराधियों में कानून का खौफ खत्म हो चुका है।